कोरोना को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय के हवाले से बड़ी खबर, भारत में जनवरी में आ सकती है कोरोना की लहर। तेजी से फैलेगा कोरोना संक्रमण, अगले 40 दिनों में गंभीर हो सकते हैं हालात। कोरोना के पिछले ट्रेंड्स को देखकर लगाया गया अनुमान, पिछली बार ईस्ट एशिया में फैलने के 30 से 35 दिन बाद भारत में आई थी कोरोना लहर। पहले से ज्यादा संक्रामक है कोरोना का नया वेरियंट BF7, एक समय पर 18 लोगों को कर सकता है संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक पहले की तरह खतरनाक नहीं है BF7, नई लहर आने पर मौतों की संभावना बेहद कम। पिछले दो दिनों में विदेश से आए 6000 लोगों का हुआ कोरोना टेस्ट, 47 यात्रियों में संक्रमण की पुष्टि। एयरपोर्ट पर टेस्टिंग गाइडलाइन में बदलाव, विदेश से आने वाले 2% लोगों की जांच के आदेश। मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों का रैंडम टेस्ट, 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव, जीनोम सिक्वेंसिंग के लिए भेजे गए सैंपल। देशभर में 3468 तक पहुंची कोरोना एक्टिव केस की संख्या। कोरोना से निपटने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट की पहल, 2 करोड़ कोविशील्ड वैक्सीन डोज मुफ्त देने का ऐलान। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 36 नए केस, 1 मरीज की मौत। राजस्थान में कोरोना के 7 नए मरीजों की पुष्टि, 88 तक पहुंची संक्रमितों की संख्या। जापान में फूटा कोरोना का धमाका, एक दिन में 415 मरीजों की मौत से हड़कंप, एक दिन में मौत का सबसे बड़ा आंकड़ा। कोरोना की 8वीं लहर से जूझ रहा जापान, बुधवार को 2,16,000 से ज्यादा नए संक्रमितों की पुष्टि। WHO के मुताबिक पिछले 7 दिनों में जापान में बिगड़े हालात, अमेरिका के बाद जापान में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें। दिल्ली में 2 दिन की राहत के बाद फिर शुरू होगा ठंड का टॉर्चर, मौसम विभाग ने की शीतलहर और कोहरे की वापसी की भविष्यवाणी। दिन में धूप खिलने के बाद भी बर्फीली हवाओं से दिल्ली बेहाल, बुधवार को करीब 1 डिग्री चढ़ा पारा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और यूपी में आज भी कुछ राहत के आसार, 2 से 3 डिग्री तक बढ़ सकता है तापमान। दिल्ली NCR में बुधवार को एक्टिव हुए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से कुछ कम हुआ शीतलहर का कहर, कल से फिर लौटे घना कोहरा। ठंड के टॉर्चर के बीच नए साल पर स्कूलों की छुट्टी, यूपी, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली में सरकारी आदेश। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और बरेली में 1 जनवरी तक बंद रहेंगे स्कूल। दिल्ली और हरियाणा के सभी स्कूलों में 1 से 15 जनवरी तक स्कूल बंद रखने के आदेश। बिहार में 31 दिसंबर तक स्कूलों की छुट्टी, राजस्थान में 5 जनवरी तक स्कूल बंद। आज रात पश्चिमी विक्षोभ के हिमालय तक पहुंचने की संभावना, पहाड़ों पर होगी भारी बर्फबारी। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, भीषण ठंड के बीच होगा नए साल का जश्न। उत्तराखंड के हरिद्वार, हल्द्वानी, रामनगर, कालाडूंगी और लालकुआं में शीतलहर का कहर जारी, घरों से निकलने में बच रहे हैं लोग। कोटद्वार में बर्फीली हवाओं ने बढ़ाई मुश्किल, कोहरे के बीच नगर निगम ने किए अलाव के इंतजाम। हिमाचल प्रदेश में माइनस में पहुंचा पारा, झील और नदियों का पानी जमा, लाहौल स्पीति में बर्फबारी की वजह से शिंकुला पास बंद। आज रात और कल रात शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, कांगड़ा, लाहौल स्पीति और किन्नौर के ऊंचाई वाले भागों में बर्फबारी की संभावना। कांग्रेस नेता AK एंटनी का बड़ा बयान, कहा मंदिर में जाना और तिलक लगाना जरूरी, वरना 2024 में फिर लौट आएगी मोदी सरकार। AK एंटनी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, बोले शहजाद पूनावाला, कांग्रेस की वोट बैंक की राजनीति का पर्दाफाश। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कांग्रेस ने की संविधान और लोकतंत्र की रक्षा, देश को तानाशाही के रास्ते पर ले जाना चाहते थे पीएम मोदी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने दिया बड़ा बयान, कहा योगी सरकार बगैर OBC आरक्षण को सुनिश्चित किए निकाय चुनाव नहीं कराएगी। मुंबई में मनी लॉन्ड्रिंग केस में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख आर्थर रोड जेल से हुए रिहा। तुनिशा की मौत मामले में आज पुलिस दर्ज करेगी बयान, दोपहर 1 बजे तुनिशा की मां, मामा और ड्राइवर को वालिफ पुलिस ने बुलाया। तुनिशा की मौसी का बयान भी दर्ज करेगी पुलिस, इंग्लैंड में रहती है तुनिशा की मौसी। तुनिशा की मौत की वजह तलाशने में जुटी है पुलिस, चाचा पवन शर्मा ने कहा शिजान से मिलने के बाद हिजाब पहनने लगी थी तुनिशा। तुनिशा की मौत को कंगना रनौत ने बताया हत्या, 1 से ज्यादा शादी और एसिड अटैक पर पीएम से की कानून बनाने की अपील। जिस दिन तुनिशा ने की आत्महत्या, शिजान ने 1.5 घंटे तक सीक्रेट गर्लफ्रेंड की चैट पर की थी बात, व्हाट्सएप के डिलीटेड मैसेज रिकवर करने में जुटी पुलिस। लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने की तैयारी में महाराष्ट्र सरकार, जल्द अधिनियम पेश कर सकती है शिंदे सरकार। श्रद्धा मर्डर केस के बाद तुनिशा के सुसाइड से गरमाया माहौल, विधायक नितिन राणे की अगुवाई में महिलाओं ने सीएम और डिप्टी सीएम से की मुलाकात।
आरएसएस के सरसंचालक मोहन भागवत का बयान, बूचड़खाने और इससे जुड़े उद्योगों की वजह से बढ़ रही है पानी की खपत। 26 जनवरी की जश्न से पहले आतंकी साया, कोहरे का फायदा उठाकर बड़ी साजिश को अंजाम दे सकता है पाकिस्तान, सीमा पर अलर्ट। किसानों के लिए लखनऊ में खुलेगा 7 मंजिला एग्री मॉल, अयोध्या में टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला खोलने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश। अहमदाबाद में बीमार मां को देखकर लौटे दिल्ली पीएम मोदी, अस्पताल में भर्ती हैं हीरा मां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां की सेहत में पहले से सुधार, पीएम ने डॉक्टरों से की बात। पीएम मोदी की मां के जल्द स्वस्थ होने की राहुल गांधी ने की कामना, ट्वीट करके लिखा है ऐसे समय में मेरा प्यार और समर्थन आपके साथ। मायावती ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के स्वास्थ्य की कामना की, कहा भगवान अच्छी सेहत के साथ लंबी उम्र दे। ममता बनर्जी ने हीरा बा के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की, जल्द स्वस्थ होने की जताई उम्मीद। अहमदाबाद के यूएन मेहता अस्पताल से मां का हालचाल जानकर पीएम मोदी के छोटे भाई भी घर लौटे, काफी देर तक अस्पताल में ही थे सोमा भाई मोदी। वाराणसी में पीएम मोदी की मां के लिए की गई पूजा, पूरे मंत्रोच्चारण के साथ जल्द ठीक होने की कामना की गई। पीएम मोदी की मां के स्वास्थ्य को लेकर अमृतसर में यज्ञ, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने लंबी उम्र के लिए प्रार्थना की। महोबा में पीएम मोदी की मां के सेहतमंद होने के लिए मजार पर दुआओं का दौर, मदरसे में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों ने की दुआ। गुजरात के वडनगर में मां हीराबा के लिए पूजा, हटकेश्वर मंदिर में जल्द स्वस्थ होने के लिए लोगों ने की प्रार्थना। बरेली में 25,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, 3 महीने से था फरार। यूपी में शराब माफिया के खिलाफ एक्शन, हापुड़ में अवैध शराब के साथ 2 गिरफ्तार। बिहार के शिवहर में शराब माफिया पर शिकंजा, लाखों लीटर अवैध शराब नष्ट। नोएडा में घरेलू नौकरी से मारपीट के आरोप में महिला गिरफ्तार, वायरल हुआ था वीडियो। यूपी के बांदा में रेप पीड़ित का बड़ा आरोप, पुलिस ने मामला रफा दफा करने के लिए बनाया आरोप। असम के बोगाई गांव में पति ने पत्नी का गला रेता, अवैध संबंधों के शक में वारदात। राजस्थान के धौलपुर में बीजेपी नेता के बेटे की हत्या, आध जली हालत में मिला शव। चंदौली में युवक ने ली 22 साल की प्रेमिका की जान, शादी तय हो जाने पर संबंध बनाने से किया था इनकार। मध्य प्रदेश के बैतूल में बच्चों के साथ धरने पर बैठे शिक्षक दंपत्ति, 18 दिन पहले घर में हुई थी 7 लाख की चोरी, पुलिस ने दर्ज नहीं की FIR। मध्य प्रदेश के जबलपुर में अस्पताल में तैनात महिला डॉक्टर से मारपीट, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। सीतापुर में मजदूरों से भरी बस पलटी, 20 लोग घायल, 6 की हालत गंभीर। मध्य प्रदेश के आगर मालवा में धू धू कर जली पवन चक्की, हादसे के बाद विस्फोट, टूटकर गिरी पंखुड़ियां। पंजाब के तरन तारण में पुलिस ने लोडेड रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड लॉन्चर किया बरामद, जांच जारी। यूपी के बहराइच में चेकिंग के दौरान दारोगा से भिड़ा किसान नेता, दारोगा की झड़प का वीडियो वायरल। इंदौर में हाईकोर्ट अधिवक्ता की पत्नी ने की आत्महत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। रामपुर में 6 रैकेट और लुटेरी, दुल्हन गैंग का भांडाफोड़, गैंग के 6 आरोपी और दुल्हन गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भीलवाड़ा में एसिड अटैक और यौन शोषण का मामला आया सामने, पुलिस ने आरोपी महंत को किया गिरफ्तार। कानपुर में बर्खास्त सिपाही चला रहा हनी ट्रैप गैंग, देश के कई शहरों में लोगों पर दर्ज करा चुका भतीजी से रेप का केस। यूपी के बस्ती में दूध के बकाए पैसे मांगने पर शख्स को गोली मारी, गोली मासूम बेटे को लगी, घायल बेटे का इलाज जारी। पंजाब के पठानकोट में ड्रग तस्करों पर पुलिस का शिकंजा, अफीम के साथ 2 ड्रग तस्करों को किया गया गिरफ्तार। उधम सिंह नगर में बदमाशों ने की राइस मिल में लूटपाट, चौकीदार से की मारपीट, गंभीर रूप से घायल चौकीदार। मुजफ्फरनगर में लीज पर दी गई सरकारी जमीन पर बनी मशहूर SD मार्केट, सरकार को हुई 40 साल में करीब 1,36,00,00,000 रुपए के राजस्व की हानि। यूपी के चंदौली में अवैध शराब के खिलाफ चला पुलिस का रोड रोलर, हाईवे पर रोड रोलर चलाकर की 13,000 लीटर शराब नष्ट। दिल्ली में यमुना नदी के पानी में बढ़ा अमोनिया का स्तर, कई इलाकों में हुई पानी की सप्लाई कम। गाजीपुर में ट्रेन गार्ड की सूझबूझ से बची शख्स की जान, ट्रैक और रेलवे प्लेटफॉर्म के बीच फंसा था मजदूर। फतेहाबाद के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से मरीज ने तोड़ा दम, अधिकारी कर रहे मामले की जांच। कानपुर में बाथरूम की ग्रिल तोड़कर बाल गृह से फरार 2 किशोर, वापस लौटा 1 किशोर, पुलिस से बोला घूमने का कर रहा था मन। दरभंगा में पैसे न होने पर नर्सिंग होम में बीमार बच्चे को छोड़ परिजन फरार, डॉक्टर ने की फीस माफ, फिर भी नहीं बची बच्चे की जान।
यूपी के बलरामपुर में जहर खाने से एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत, एक घायल, पुलिस की जांच जारी। मुंबई में एनसीबी ने अंतर्राज्य ड्रग सिंडिकेट का किया भंडाफोड़, दो व्यक्ति गिरफ्तार, 4 किलो चरस जब्त। कन्नौज में समाज कल्याण राज्य मंत्री के नाम पर दो भाइयों ने की ठगी, मंत्री ने आरोपियों पर कार्रवाई के दिए आदेश। हमीरपुर में कोरोना से लड़ने में अस्पताल का हाल बेहाल, एक साल पहले बने आईसीयू पर लगा ताला, अभी तक नहीं हो सका चालू। रायबरेली में महिला ने घायल पति को रिक्शे पर बिठाकर पहुंचाया अस्पताल, एम्बुलेंस के अभाव में उठानी पड़ी परेशानी। धौलपुर में शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी भीषण आग, लाखों रुपए का सामान हुआ राख, 2 घंटे बाद पहुंची दमकल की गाड़ी। मैसूर में अज्ञात लोगों ने सेंट मैरी चर्च में की तोड़फोड़, पुलिस कर रही जांच। हरियाणा के पूर्व आम आदमी पार्टी अध्यक्ष नवीन जय हिंद ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन, पुलिस ने हिरासत में लिया। सीहोर में बीजेपी नेता जसपाल अरोड़ा को मिली जान से मारने की धमकी, आतंकवादी पन्नू ने दी फोन पर धमकी। मैसूर बैंक वर्कर में महाराष्ट्र संकल्प पर कन्नई समर्थक समूह का विरोध, पुतला जलाकर किया प्रदर्शन। चेन्नई में DYFI के सदस्यों और छात्रों ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध नहीं लगाने पर किया प्रदर्शन, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को किया गिरफ्तार। सोनीपत में सिरफिरे आशिक ने गला दबाकर की प्रेमिका की हत्या, आरोपी गिरफ्तार, पूछताछ जारी। औरंगाबाद की मरियम मिर्जा अमेरिकी एफमी पुरस्कार के लिए नामांकित, मोहल्ला मोहल्ला लाइब्रेरी अभियान के लिए सम्मान। असम के चिरांग में खाने की तलाश में भटका हाथी का बच्चा, रिहायशी इलाके में आने से हड़कंप। मुजफ्फरनगर में सरकारी गऊ सेंचुरी बनाने की तैयारी, 70 हेक्टेयर जमीन पर 5,000 गायों को रखने की होगी व्यवस्था। यूपी में सिद्धार्थनगर के एक सरकारी स्कूल में अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई पर कर सकेंगे छात्र, संग्राम प्रधान ने की स्पेस लैब की व्यवस्था।